व्हाट्सअप गाइज अमाया टीआरपी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सेक्शन में बात होगी टीजीटी स्पेशल जो है पार्ट ऑफ स्पीच से जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, तो उसकी ये वीडियो है। इसी प्रकार से आपको वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी और आपको इंग्लिश से देना है तो आपको अपडेट भी मिलती रहेगी। परीक्षा कब तक हो सकती है उसकी भी चर्चा जो है बीच बीच में की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच सेक्शन से कौन से क्वेश्चंस जो है बने थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे जो नाउन से पूछा गया था कि पहला कि ऑल द नेम्स आर कॉल्ड, तो जो नाम होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो नाउन्स ये क्वेश्चंस पूछा गया था। और नेक्स्ट पूछा गया था कि इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, इट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इस किसे कहा जाता है, तो ये चीज़ें भी ऑप्शंस में दी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जिसे कहा जाता है प्रोनाउन, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। और एक क्वेश्चन पूछा गया दिस नाउन आर इन नंबर्स, जो नाउन्स जो है नंबर्स में होते हैं उन्हें क्या कहता है, दिस नाउन्स आर नंबर, तो इसे क्या कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए थे जिसे कहते हैं काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। और प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछे थे, नाउन से क्वेश्चंस जो बने थे। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि देयर, यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन किया गया देयर आर, उसके बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना था। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया था, तो कितने प्रकार की पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं, तो ये आप जानते हैं जिस तरह से आठ प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पे फिल करना था एट। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इट क्वालिफाई अ वर्ब, वर्ब किसे क्वालिफाई करता है, तो इट क्वालिफाइज अ वर्ब, तो ये वर्ब जो क्वालिफाई करता है किसको करता है, एडवर्ब को करता है, तो ये भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया इट इज़ अ ज्वाइनिंग वर्ड, तो जो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं यानी कि एक दूसरे से जोड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, तो इसको भी इजी तौर पर आप कर सकते हैं सॉल्व। ज्वाइनिंग वर्ड्स जो होते हैं उन्हें कहा जाता है कंजक्शन के तौर पर जो है जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, कंजक्शन से रिलेटेड था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था गोल्ड, गोल्ड क्या है, तो गोल्ड के बारे में पूछा गया था, गोल्ड इज ए, तो गोल्ड को समझ रहे हैं ये तो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा, तो ये मटेरियल नाउन जो था ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था इट इज शोज अ कैटेगरी, कैटेगरी को जो शो करता है तो उसके बारे में पूछा गया था इट इज शोज अ कैटेगरी, तो कैटेगरी जो शोज करता है यहाँ पे बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था इसे कहते हैं कॉमन नाउन, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा ये होता है कॉमन नाउन। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के जो प्रकार पूछा गया था कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन को बारे में आप भी जानते होंगे कि नाउन जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो नाउन को जो है पांच प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो जेंडर्स होते हैं कि देर आर जो है जेंडर कितने होते हैं, इंग्लिश ग्रामर के जो जेंडर के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इंग्लिश ग्रामर में जो जेंडर होते हैं पाँच प्रकार के जेंडर होते हैं कि फोर प्रकार के जेंडर होते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, उसे यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो एक होता है मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर एक होता है, और एक जो होता है वो फेमिनिन जेंडर होता है, फेमिनिन जेंडर होता है, और एक जेंडर जो होता है वो कॉमन जेंडर होता है, कॉमन जेंडर के बाद जो एक नेक्स्ट होता है वो होता है न्यूटर जेंडर। तो ये जेंडर जो होते हैं देर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ये भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि इफ़ बात की जाती है कि इफ प्रोनाउन कम्स इन प्लेस और ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड इन, तो ये क्या कहा जाएगा यदि ये उसके प्लेस पे आता है, तो यहाँ पे होगा ऑब्जेक्टिव केस, तो ये होता था ऑब्जेक्टिव केस। तो इसको बताने का पर्पज़ ये है कि इससे आप आइडिया लगाएं क्वेश्चन जो कैसे बन रहे हैं और आगामी एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इजी तौर पे कि टीम अगर है तो कोई टीम, तो इसको क्या कहेंगे, टीम इज़ अ, तो टीम इज़ को समझ रहे हैं तो ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये भी पूछा गया था, तो ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। और वहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि हेयर, यहाँ पर एक हेयर एंड स्टार, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हेयर एंड स्टार आर द, पूछा गया था कि एग्जांपल ये बताना कि हेयर एंड स्टार जो है ये एग्जांपल किसके हैं, तो हेयर एंड स्टार अब यहाँ पे समझ में आ गया कि काउंट तो इसको कर नहीं सकते, स्टार को भी नहीं, ना कि हेयर को, तो यहाँ पे जो है ये काउंटेबल नाउन है, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था एग्जाम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन एक पूछा गया था इंपॉर्टेंट तौर पर इसे भी जान लेते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था कि इट इस जो सोज होते हैं इट सोज, और यहाँ पे था कि जो है सरप्राइज जैसे होता है सरप्राइज, तो सरप्राइज के बारे में पूछा गया था, सरप्राइज और एक सोरो सारो जो होते हैं उसके बाद एक हैप्पीनेस, इनके बारे में पूछा गया था, तो ये क्या हो सकता है हैप्पीनेस, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये इनका काम इंटरजेक्शन के तौर पे होता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इंटरजेक्शन होता है।